press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं मिंटू झा और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। अनलॉक 1.0 को लेकर सरकार द्वारा एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना के इस संकट में आने वाले सप्ताह में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। अनलॉक 1.0 के तहत अब आने वाली 8 तारीख को सरकार ने सभी आस्था स्थल खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अब की बार आपकी आस्था और भक्ति का तौर तरीका बदलने वाला है। 8 जून से कंटेनमेंट जोन से बाहर देश के धार्मिक स्थल खोले जाने की सरकार ने इजाजत दी है। अब इसके लिए एक नई गाइडलाइंस भी जारी हो गई है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जहां भी आप पूजा या इबादत करते हैं, वहां अब सब पहले जैसा नहीं रहने वाला है। अनलॉक 1.0 शुरू होते ही देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों के लिए एक नए नियम अब लागू होंगे। बता दें, इस कोरोना काल में फिलहाल मंदिरों के अंदर अब श्रद्धालुओं को ना तो प्रसाद और ना ही चरणामृत बांटा जाएगा। 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई है, उसमें कई तरह की पाबंदियों का जिक्र है। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया गया है। जाने धार्मिक स्थलों के लिए केंद्र सरकार की क्या है नई गाइडलाइंस। धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाएगा। धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति नहीं मिलेगी, हालांकि इस जगह रिकॉर्डिंग बजाया जा सकता है। सामूहिक प्रार्थना से बचना होगा, इस दौरान बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रसाद वितरण और गंगा जल के छिड़काव जैसे चीजों की अनुमति नहीं मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने पर पाबंदी होगी। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में प्रवेश के लिए लगी लाइन में लोगों के बीच कम से कम 6 फुट की भौतिक दूरी रखी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी गाइडलाइंस निकाली है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा। 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने की सलाह दी गई है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए दिल्ली दस्तक के साथ, तथा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।